मैं अजंता वीरा कुंडू नागपुर मानकम भूत केंद्र से बोल रही हूँ। मेरा दूसरा अनुभव है, ये भी मेरे बेटे के लिए ही है। बापू जो है एक छाया की तरह मेरे ऊपर है। मेरे बेटे का पहले जॉब था, एक इंटरनेशनल कंपनी में ही था, लेकिन वो शिफ्ट करना चाह रहा था और TCS के लिए कोशिश कर रहा था। फिर 2019 में उसने ट्राई किया, इंटरव्यू हुआ लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। तो थोड़ा सा होता ही है, डिप्रेशन आता ही है, आजकल बच्चों को जल्दी डिप्रेशन आ जाता है। फिर मैं भी सोची कि हाँ सही में बहुत कोशिश तो कर रहा है वो, फिर जो हुआ नहीं हुआ नहीं। फिर 2020 में उसका इंटरव्यू हुआ, काफ़ी लंबा इंटरव्यू चला, 2-3 महीने तक के इंटरव्यू हुआ। तो फिर जब मेरे को पता चला कि ऐसे हुआ, मैं सोची हो गया होगा सिलेक्शन, इस बार तो हो ही जाएगा। तो 7 मार्च लास्ट इंटरव्यू हुआ, तो उसके बाद फिर कुछ हुआ ही नहीं, उसके बाद आया ही नहीं उसका। तो मैं जैसे अपने पापा से जैसे लड़ते हैं हम, वैसे मैं बापू के सामने खड़े होके मैं वैसे ही बैठ के वैसे ही बोली कि बापू क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम मेरे सर के ऊपर से छाया बन के हो, लेकिन क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों नहीं करोगे तुम, तुमको करना पड़ेगा। जैसे हट करते हैं अपना बच्चे, अपन माँ बाप के सामने हट करते हैं, वैसे मैं खूब खूब लड़ी बापू से कि नहीं तुमको करना पड़ेगा, किसी भी तरह से करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारी पूजा करूँगी। मैं श्रद्धा एक क्षण के लिए भी श्रद्धा नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है, करूँगी, लेकिन तुमको ये करना पड़ेगा। एक जिद था कि मेरे को इसी एक आध हफ्ते में तुम रिजल्ट सुनाओगे, एक जिद टाइप का पकड़ ली थी मैंने। फिर नहीं मालूम जिद 10-15 दिन बाद अपने आप में खुद शांत हो गई। शांत होने के बाद मैं बोली ठीक है बापू, जैसे सिलेंडर कर देना अपने आप को, वैसे मैं बापू के सामने सिलेंडर होगी। बोली नहीं, तुमको जो मर्जी है तुम करो, जो मर्जी तुमको है वो करो, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कुछ अच्छा ही करोगे, तुम कभी खराब कर ही नहीं सकते, मैं विश्वास से घर में तुमको लाई हूँ तो विश्वास है मेरा। करते करते उसको सितंबर अक्टूबर में फिर से TCS का आया इंटरव्यू आया, तो काफ़ी लंबा चला इंटरव्यू सब करते करते। एक बार आया, फिर थोड़े दिन गैप हुआ, फिर आया, करते करते जैसे मैं रात को सोई और सोने के बाद मेरे को ऐसा लगा बाबू ना सर के ऊपर हाथ फिरा रहा है कि टेंशन। और मैं सोती ही नहीं थी, रात भर सोती नहीं थी, मेरे को एक अंदर टेंशन होता था कि क्या होगा क्या होगा। और दूसरे दिन ही शाम को मेरा बेटा आके बोला मामा मेरा सिलेक्शन हो गया TCS में। तो मेरे को इतनी खुशी, मैं बेटे को बोली पहले बापू के चरण छू जाके, क्योंकि उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे मिरेकल कोई नहीं कर सकता, बापू के सिवा कोई ही नहीं कर सकता। तो मैं जाके बोली और एक के बाद एक जैसे काम बनते जाना जैसे बोलते हैं वो बनते गया, घड़ियां चलती गई। तो बापू के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकती, मैं आगे सोच नहीं सकती। एक बार मैं ऐसे ही बोली, ये हो जाने के बाद मैं बोली बापू सबको सपने में आप दिखते हो, तो आप क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं आ रहे, और आप विश्वास नहीं करोगे उसी रात बापू मेरे को सपने में दिखे। तो मेरे को इतनी अंदर से खुशी हुई, इतनी खुशी है कि बापू मेरे सपने में आए, और अभी एक बार नहीं 2-3 बार बापू सपने में आ गए। तो ये तो मैंने उनकी छत्र छाया में मैं हूँ, मेरा पूरा परिवार है, आगे भी वो रहेंगे। तो मैंने क्या बोलना चाहिए, धन्यवाद तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे सदगुरु हैं। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि उनके छत्र छाया में जिंदगी भर मेरे आखिरी सांस तक वो मेरे साथ रहें। हरिओम श्री राम अम्बर।